जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके जो इंस्टीट्यूट है वो अलाउटेड कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। तो यहाँ पर आप तभी देख पा रहे होंगे, इंस्टीट्यूट अलाउडेड एज पर्सन मेरिट लिस्ट विल बी अवेयर द इन कैंडिडेट लॉग इन शॉर्टली। कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ अलाउटेड इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेस टू नियरेस्ट NSTI फॉर प्रोविजनल एडमिशन एज पर काउंसलिंग शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए मैंने यही वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप अपने लॉग इन करके देख सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज अलाउड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब आप लॉग इन करें, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको लॉग इन करते समय जब आपका जो कॉलेज ओपन होगा, यानी कि आपको जो अलाउड किया गया कॉलेज आपको शो करेगा, तो उसका प्रिंट आउट आप लेना न भूलें, क्योंकि एडमिशन के समय ये प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसको प्रिंट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से छात्र होते हैं वो प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनका बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्रिंट आउट अवश्य कर लें और लॉग इन करते समय, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और फ्रेंड्स, जिन छात्राओं ने अभी फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पे नहीं कर पाए, तो वो सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं 24 तारीख से। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला था। और फ्रेंड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको, जो भी आपके नज़दीक NSTI इंस्टीट्यूट पड़ता है वहाँ पर जाकर के आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, और आपके जो लॉगिन की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपका जो कॉलेज अलाउटेड किया गया है उसी कॉलेज को अगर आप चॉइस करना चाहते हैं, तो सेकंड उससे पहले आपको सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके NSTI पास में जो इंस्टीट्यूट होगा उसमें। तो आपको जो कॉलेज अलाउटेड किया गया है उसको आप एडमिशन ले सकते हैं, यदि वो कॉलेज अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।